हे सर राम मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। राम राम नहीं नहीं राम कंप्लीट कर विश्वासघात लेने, मैं लॉजिक बता राम रहा राम हूँ ना। नहीं, नहीं। सुन लीजिए ना, आपके पास ऐसे कौन से सूत्र हैं जिससे आपको पता है कि सूत्र राम मंदिर नहीं बनेगा? सूत्र बता रहा हूँ ना, मैं सूत्र बता रहा हूँ। अरे सर आपके नहीं, मैं पूरी रस्सी लेके बैठा हूँ, आप सूत्र धागे की कल्पना मत करिए। मैं आप बताओ ना, रस्सी और नार लेके बैठा हूँ, नार लेके बैठा हूँ, मंदिर नहीं बनेगा। अच्छा आप सूत्र मांग रहे हैं, मैं पूरा रस्ता आपको दूंगा। आप दोनों लीजिए ना सर, मैंने चुनाव के पहले बीएसपी ने बोला था ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो क्यों राजनीतिक एके मिश्रा, आप मुझे शायद समझा पाएंगे ऐसा क्यों होता है। चुनाव से ठीक पहले, अब कुछ महीने पहले, दिसंबर से ये सुगबुगाहट शुरू हो जाती है, तेजी आती है राम मंदिर को लेकर, जो मांग की जाती है सब एक साथ आ जाते हैं। संत समाज, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू सभा सब एक साथ आते हैं। चुनाव से ठीक पहले मोहन भागवत कह देते हैं अभी थोड़ा शांति रखिए, एक बार फिर से मोदी सरकार को मौका दीजिए, मोदी सरकार में ही आ सकता है राम मंदिर आ सकता है। तो अब फिर से मोदी सरकार आ गई है तो फिर से एकजुट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इधर उधर छिटके हुए क्यों हैं? एक राय कभी बनती है कभी अलग अलग हो जाते हैं। अभी रामविलास वेदांती 2024 कह रहे हैं, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि 2019 में भगवान का राम वनवास खत्म हो जाएगा, ये सब क्या है? आपका सवाल मैम एकदम सही है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो आपने बोला ना कि ये सब अलग अलग हो जाते हैं, वो सब प्लान्ड है। बात यह चल रही है, दो ढाई साल से मैंने भी कई बार डिबेट की है आप लोगों के साथ ही राम मंदिर का, हर बार लगता था बन जाएगा। देखिए है क्या, राम मंदिर नहीं बनेगा ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, और इतने जल्दी तो नहीं बनेगा। उसके पीछे कारण है बीएचपी, दो चीजें, नहीं बनेगा या जल्दी नहीं बनेगा। हाँ। नहीं नहीं देखिए, कहने का मतलब यह है कि ये अगले 5-7 साल तक तो नहीं बनेगा। मैं रुकना, राम मंदिर नहीं बनेगा ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, और इतने जल्दी तो नहीं बनेगा। उसके पीछे कारण है बीएचपी, दो चीजें, नहीं बनेगा या जल्दी नहीं बनेगा। हाँ। नहीं नहीं देखिए, कहने का मतलब यह है कि ये अगले 5-7 साल तक तो नहीं बनेगा। मैं रुकना चाहूंगा। हे राम, सर मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। राम राम नहीं नहीं कंप्लीट कर लेने, मैं लॉजिक बता रहा हूँ ना। सुन लीजिए ना, आपके पास ऐसे कौन से सूत्र हैं जिससे आपको पता है कि राम मंदिर नहीं बनेगा? बता रहा हूँ ना, अरे सर आपके नहीं, मैं पूरी रस्सी लेके बैठा हूँ, आप सूत्र धागे की कल्पना मत करिए। मैं पूरी बताओ ना, रस्सी और नार लेके बैठा हूँ, नार लेके बैठा हूँ, मंदिर नहीं बनेगा। आप सूत्र मांग रहे हैं, मैं पूरा रस्ता आपको दूंगा। आप दोनों लीजिए ना सर, अरे उनके पास है भाई कुछ है। सूत्र ये है, मैं आपको बता, आप सूत्र नहीं, आप सूत्र मांग रहे हैं, मैं आपको रस्ता, आपसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, आप उसकी चिंता नहीं। अगर आप हिंदू होते तो इस तरह की बात शायद नहीं करते। तो सुन लो ना सर, मैं रस्सी दे रहा हूँ, आपने सूत्र मांगा, रस्सी रस्सी लीजिए। आप सूत्र की बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, रस्सी के अंतिम सिरे पे क्या है? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता है, जो पक्ष विपक्ष इंक्लूडिंग मुस्लिम, हाँ जितनी पार्टियां हैं, कोई इसमें से ये बोलते कि राम मंदिर इतना ऐसा काम है कि वो वही कर सकता है कि हनुमान जी खुद आ जाए या उनके जैसी भावना आ जाए कि राम काज किए बिना मोहि विश्राम कहा। बोलिए कौन से नेता ये बोलेंगे कि मैं कलयुग में हनुमान हूँ? क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? उतनी श्रद्धा है मेरे पास जितनी हनुमान जी। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा मुझे ये समझाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बनेगा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब बड़ी होशियार है। एक कहानी पड़ी थी ना, एक किसान के पास सोने का अंडा देने वाला मुर्गी का, वो तो बेवकूफ था, उसने मुर्गी काट दी। अब देखो वो मतलब जानकार किसान, होशियार किसान, ये सारी राजनीतिक जितने पार्टियां हैं, ऐसी मुर्गी तो ये भी पाल रहा है 1984 से ना सर। नहीं वही बता रहा हूँ, आपकी पाली मुर्गी है ना, वोट रूपी सोने का अंडा देने वाला राम मंदिर है। तो साहब कहाँ, अभी ये इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के पहले योगी आदित्यनाथ जी ने एक दूसरे दिया था, एक भव्य राम मूर्ति बनेगी, वो भी नहीं बना। भव्य राम मूर्ति तो बनी नहीं, ये इलेक्शन के पहले भव्य राम मूर्ति तो बनी नहीं, हर चुनाव के पहले कुछ ना कुछ होगा। चुनाव से पहले चर्चा करते हैं तो आप बोलते हैं कि चुनाव लेके आगे, अगर अब चुनाव के एकदम खत्म होने के बाद में लेके आए तो कह लगे क्यों शुरू कर दिया, नहीं वो शुरू कर रहे हैं। अरे आप कहीं तो ये सतत चलना चाहिए ना, सतत चल रहा है, सतत चल रहा है। 2010 में क्या हुआ हमारे पक्ष में, चुनाव के पहले बीएसपी ने बोला था ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो
तो क्यों राजनीतिक यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर असली हिंदू और नकली हिंदू की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ राम मंदिर तारीख की बात हो रही है। ओके ठीक है, ओके ठीक है, हो हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है। ईश्वर करे कि प्रभु श्री राम, हाँ ठीक है, ईश्वर करे राम नाम का भजन। हाँ एक मिनट रुक जाइए ना सर, आपसे मेरी दरख्वास्त है, एक मिनट रुक जाइए आप। हाँ एक एक मिनट, एक एक हो गया, एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, ओके ठीक है, ओके ठीक है। अरे हो गया, टीआरपी हो गई, आपकी भी हो गई, आपकी भी हो गई, बहुत ज्यादा टीआरपी हो गई, टीआरपी अप हो गई। ओके ठीक है, ओके ठीक है, नॉक 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 नॉक, ओके सर ठीक है, ओके। अरे एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया। देखिए क्या होता है ना, सुन लीजिए पहले, हाँ सुन लीजिए जी। भारत में पंच परमेश्वर कहे गए हैं, हाँ यानी पांच लोग जो मेरे रिश्तेदार ना हो, मेरे जो है मित्र ना हो, और वह मेरे बारे में जो कहें वो परमेश्वर की वाणी होती है। अच्छा, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, सरकार बनी सरकार नहीं बनी, मस्जिद गिराने के लोकतंत्र का पर्व है, होता रहता है, क्या? लेकिन इस काम के लिए भारत की जनमत ने, ढांचा था, मैंने कहा ना हाईकोर्ट में कौन मुकदमा लड़ा था, अब ठीक है आप राजधर्म ना, ओके रुकिए आप रुक जाइए, इतिहास में नहीं जाएंगे हम, भविष्य को तलाशेंगे, भविष्य की बात कीजिए सर, भविष्य की बात कीजिए, इतिहास नहीं। महाराज रुकिए सर, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए आप लोग, राणा जी को सुनिए, राणा जी पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर आगे बढ़े, राणा जी पंच परमेश्वर आगे बढ़े। पांच पांच व्यक्तियों की वाणी कहा गया है, वो मुझे जानते ना हो, मेरे रिश्तेदार ना हो, मित्र ना हो, यदि मेरे बारे में जो बात करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वह परमेश्वर की ही बात होती है। अच्छा, हमने हमेशा कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ और आज तक इसके लिए जितनी सरकारें कुर्बान हुई भारतीय जनता पार्टी की, जितने कार्यकर्ताओं को जो है गोली लगी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, नहीं 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 ना 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 ना, यहाँ गलत है, एक बात यहाँ एक बात गलत है, हाँ एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, अशोक सिंह जी का सिर फूटा था, एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए, 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 एक मिनट रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए ना भाई, रुक जाइए ना भाई, हाँ रुक जाइए। देखिए दो बातें हैं, ये तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि हिंदू समाज पिछले 500 वर्षों से ठगाई गया, लूटा गया, पीटा गया, जलाया गया, मारा गया और उसके धर्म स्थलों को समाप्त किया गया, ये हिंदू समाज पिछले अब कई शताब्दियों से देखता आ रहा है, लेकिन अब हिंदू जनमानस खड़ा हो गया है और उसके उसको उसने अपने राजसत्ता को भी अपना मत दे दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हिंदू समाज अधिक प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब ये है कि जहाँ से भी समाधान निकले अब वो समाधान के लिए प्रतीक्षारत है और हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकलेगा। रही बात इसकी कि अभी 15 तारीख की डेडलाइन है, 19 तारीख की डेडलाइन, तो देखिए इस मास में पूज्य संतों की धर्म संसद होने वाली है, मैं आपको बताऊं, और उस धर्म संसद में कुछ न कुछ निर्णय वहां से होगा और विश्व परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक भी इस मासांत में है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो सकता है, कुछ निकल के आएगा। जैसे संत निर्णय करेंगे, हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए संकल्पबद्ध होकर के संपूर्ण भारत में एक अभियान चलाएगा। एक ही कुछ कहना चाहते हैं, चूंकि ए के मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ से मैं पूछना चाहूंगा। देखिए उमानंदन कौशिक जी, आपने पूछा था सूत्र क्या है, बंसल साहब ही बोल रहे हैं कि 500 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, तो पहला सूत्र यही है, 509 दिन चले अढ़ाई कोस, सबका सम्मिलित प्रयास हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसीलिए आगे भी नहीं होगा, सबसे पहला सूत्र है। दूसरा चीज बंसल जी से मैं ये बोलूंगा, अभी जितने भी बीजेपी के नेता एंकर सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बोल रहे थे कोई पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट दे रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट को, भाई बीजेपी और सरकार और सब, भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी चीज है, मोदी गवर्नमेंट इतना बड़ा मैंडेट लेके नहीं कर रही है, तो
तो साधु संत की सभा क्या कर लेगी? सीधा सवाल कर लेते हैं ना, साधु संत की सभा कौन सा डिसीजन लेके मंदिर बना देगी? सीधा सवाल कर लेते हैं ना, केवल जनता को बहकाने के लिए साधु, ठीक है, आपने 500 बार तो किया है मीटिंग साधु, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, क्या उसका महत्व है? कोई महत्व नहीं है महाराज, रुकिए, अरे रुकिए ना, एक एक मिनट रुकिए, उनकी मीटिंग, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, एक मिनट, क्या कौन नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होना है तो आप क्या करेंगे? ढांचा तोड़ा गया था, वाली डिबेट, चीफ चिराग वाली डिबेट। देखिए विनोद जी, विनोद जी कितने संयम के साथ में, कितने मृदुभाषी तरीके से विनोद जी अपनी बात करते हैं। अरे भाई, पहली बात एक चीज मैं करूं, एक मिनट रुकिए, होल्ड होल्ड, ओके ठीक है, ओके ठीक है। अरे भाई, जहां प्रभु श्री राम का नाम आए ना, जहां प्रभु श्री राम का नाम आए, जहां पर, अरे हाँ ठीक है बनेगा, हाँ ठीक है, रुक जाइए, अरे रुकिए रुकिए, एक मिनट, अरे रुकिए सुविराज जी, एक मिनट रुक जाइए। निश्चित रूप से सभी जानते हैं कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी केंद्र में भी हमारी सरकार आई है, लेकिन क्योंकि मामला ये 9 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में है, जो लास्ट हियरिंग में है, और इस पे निर्णय आने वाला है, और नहीं जो है तीसरा विकल्प मैंने आपसे बताया कि भारत की संसद है, तो 9 वर्षों से नहीं, 26 साल से नहीं, इधर हाई कोर्ट के बाद, हाँ 2010 में जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसके बाद 9 साल हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ।